जिले के चैनपुर प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। जी हां, चैनपुर स्थित बस पड़ाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार का पुतला दहन किया। वहीं वर्तमान सरकार को अपंग सरकार भी कहा। वर्तमान सरकार सिर्फ दिखावा की सरकार है। झारखंड में लगातार बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी और अराजकता जैसी घटना सामने आ रही है, जो वर्तमान सरकार की पोल खोल रही है। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की, क्योंकि वर्तमान सरकार में महिलाएं खुद को असुरक्षित पाती है। कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार को नींद से बाहर आने को कहा, साथ ही कहा कि सरकार राज्य में सुशासन को बहाल करे, नहीं तो जनता जवाब मांगेगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे। राज्य में बढ़ते घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ता पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ता की माने तो इस कड़ी में बताया है, आज भाजपा पार्टी बड़ी पार्टी है, 14 करोड़ कार्यकर्ता वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है, साथ ही वर्तमान सरकार को आड़े हाथों भी लिया है। इस दौरान महिला मोर्चा ने बताया कि वर्तमान सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, अपराधी रात में घटना को अंजाम नहीं देते, बल्कि दिन दहाड़े ही अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। अपराधी बेखौफ है, जिसमें वर्तमान सरकार में महिला को घर से निकलने में भी भय लगता है। रेप, बलात्कार और अराजकता का माहौल छाया हुआ है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।